ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 24 जनवरी 2024 की मुरली बाप दादा का मधुर महावाक्यों में पांच मुख्य बातें याद रखेंगे। पहला, आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। दूसरा, विश्व में शांति तो शिव बाबा द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। तीसरा, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। चौथा, बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। पांचवा, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रूई बना देना। आत्मा अभिमानी, विश्व में शांति, सर्वशक्तिमान बाप, नई दुनिया, सब कुछ तेरा कहना। आज का चिंतन, मैं आत्मा, आत्मा अभिमानी ज्योति बिंदु हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, अजर अमर अविनाशी ज्योति बिंदु हूँ। शरीर रूपी दुनिया में शरीर रूपी वस्त्र धारण कर मस्तक सिंहासन पर बैठ कार्य कर रहा हूँ, पार्ट अदा कर रहा हूँ। मैं आत्मा ज्योति ही हूँ, मैं आत्मा अभिमानी हूँ। आत्मा का निजी गुणों का अभिमानी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, स्नेह, आनंद, शक्ति स्वरूपा आत्मा हूँ मैं। मैं आत्मा विश्व शांति स्थापक प्यारे शिव बाबा का कार्य में मददगार हूँ। मैं आत्मा ज्योति सतो प्रधान बनने के लिए बाबा के साथ, सर्वशक्तिमान शिव पिता के साथ संबंध जोड़कर ताकत प्राप्त करेंगे। मैं आत्मा ज्योति परमधाम निवासी हूँ। मन बुद्धि के द्वारा सेकंड में परमधाम पहुंच गया। परमधाम में अति शक्तिशाली शांति की दुनिया में परमपिता परमात्मा के साथ बाबा बिंदु बनकर चमक रहा है। अति प्यारा आकर्षण हो रहा है। मैं बाबा के पास पहुंच गया। बाबा से अपार शक्ति का किरणें मेरे ऊपर पड़ रहा है। मैं बाबा को टच किया हूँ, अपार शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं आत्मा ज्योति शक्तिशाली बन गया हूँ। सदा बाबा के साथ रहेंगे। मैं आत्मा बाबा का इस सच्चा ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे। ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होता है। सभी को सच्चा मैसेज देंगे। मैं आत्मा सब कुछ तेरा बाबा को अर्पण कर सदा हल्का रहेंगे। आत्मा अभिमानी बनकर रहेंगे। विश्व में शांति स्थापन करने में मनसा वाचा कर्मणा सेवा करेंगे। सर्वशक्तिवान बाप के साथ ताकत लेकर नई दुनिया में ऊंच पद प्राप्त करने
पुरुषार्थ कर रहा हूँ। बाबा सब कुछ तेरा साक्षी होकर पार्ट बजाते रहेंगे। मैं आत्मज्योति ही हूँ। ओम शांति।